हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट किचन हिंदी में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड डेजर्ट की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने एक कटोरी ली है और 1/4 कप हमने दूध लिया है। तो अब हम दूध को कटोरी में ऐड कर देंगे और 2 चम्मच हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है। तो कस्टर्ड पाउडर को भी हमने कटोरी में ऐड कर दिया है। अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है कस्टर्ड पाउडर को दूध में, ताकि इसमें लम्स ना रहे। कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर हमारा रेडी है। कस्टर्ड के मिक्सचर को रख देंगे साइड में। 1.5 कप हमने दूध लिया है, तो दूध को हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे। तो दूध हमने फुल क्रीम लिया है और कच्चा दूध लिया है। फुल क्रीम दूध से डेजर्ट की रेसिपी बहुत ही क्रीमी बनती है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट के लिए हमें दूध को उबाल लेना है। तो यहाँ पे दूध उबल गया है, तो दूध यहाँ पे अच्छे से उबल गया है। अब हम कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर ऐड करेंगे। तो कस्टर्ड पाउडर को हमें थोड़ा मिक्स करके इसमें ऐड करना है। कस्टर्ड पाउडर तले में बैठ जाता है, तो कस्टर्ड पाउडर को हमने ऐड कर दिया है और चलाते हुए हमें मिक्स करना है। कस्टर्ड पाउडर और दूध को हमें अच्छे से पकाना है। तो 1 उबाल आने तक हमें पकाना है। तो यहाँ पे 1 उबाल आ गया है। अब हम इसमें 1/4 कप चीनी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। तो चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे कस्टर्ड का मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। 1/4 चम्मच हमने इलायची का पाउडर लिया है, तो इलायची के पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर लेना है और 1 बाउल में हमें रबड़ी को निकाल लेना है। 15 मिनट के लिए हम रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। ठंडा होने पे और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। हमने 6 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, तो अब हम ब्रेड को कट कर लेंगे। अब हमें ब्रेड के किनारों को कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये ब्रेड डेजर्ट हमारा बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन के तैयार होता है। तो अब हमने किनारों को कट कर लिया है। एक हमने कटोरी ली है। अब हम कटोरी में 2 चम्मच मलाई ऐड करेंगे। फ्रेश घर की मलाई लेंगे, तो हमें बासी मलाई नहीं लेना है, फ्रेश मलाई लेना है। तो जो दूध के ऊपर मलाई आती है फ्रेंड्स, वही हमने ली है। तो अब हम 1 चम्मच पीसी हुई चीनी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है, तो अब हम मलाई को ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। मलाई से फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा डेजर्ट बनके तैयार होता है और टेस्ट भी एकदम क्रीमी आता है। तो हमने यहाँ पर मलाई लगा ली है। जो मलाई वाली ब्रेड है उसके ऊपर हम दूसरी ब्रेड लगाएंगे और इस तरह से हमें प्रेस कर लेना है। मलाई से दोनों ब्रेड आपस में अच्छे से चिपक जाएंगी। मैं यहाँ पे 1 ब्रेड के 4 पीसेस कर रही हूँ। आप चाहे तो फ्रेंड्स 2 पीसेस भी इसके रख सकते हो। तो हमें इस तरह से कट कर लेना है। सभी ब्रेड को हम कट करके रख लेंगे। तो हमने 1 कटोरी में 1/2 कप दूध लिया है, तो दूध को ऐड कर देंगे और 1 चम्मच हमने पीसी हुई चीनी ली है, पीसी हुई चीनी को ऐड कर देंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। दूध और चीनी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इस दूध में ब्रेड को डीप करना है। जल्दी से हमें ब्रेड को निकाल लेना है, नहीं तो फ्रेंड्स से ज़्यादा टाइम तक हम दूध में रखेंगे तो ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और टूटने लगेगी। तो यहाँ पे हमने सभी ब्रेड को प्लेट में निकाल कर रख लिया है। रबड़ी हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है और फ्रिज से हमने रबड़ी को निकाल लिया है। अब हम रबड़ी को ब्रेड के ऊपर डाल देंगे। ब्रेड को हम रबड़ी से कवर कर लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। कभी मीठा खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को एक बार बना कर देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगी। बहुत ही बढ़िया मिठाई बनके तैयार होती है फ्रेंड्स, और
कम मेहनत में बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे हमने रबड़ी से ब्रेड को कवर कर लिया है अच्छे से। थोड़े से हमने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, बादाम और पिस्ता, तो हमने एकदम फाइन चॉप करके लिया है। ड्राई फ्रूट्स को गार्निश कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ब्रेड डेजर्ट बनके तैयार हो गया है। एकदम क्रीमी क्रीमी और टेस्टी डेजर्ट हमारा बनके रेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।